दोस्तों राजेंद्र पुलिस आए थे, राजेंद्र पुलिस कह रहा हूँ, राजेंद्र नगर आया था यूपी गाजियाबाद। दोस्तों बिल्कुल देख रहे हैं सुर, और ये आज अभी 12 बज गए हैं, कुछ काम था तो वो काम करते करते मेरे को 12 बज गया, और अभी शायद 12:30 से ऊपर हो गया है, और ये पैकेज मेरे को मिल गया है। ये क्या कहते हैं यहाँ का, हाँ राजेंद्र नगर का मेरे को पैकेज 303 रुपये का पार्सल मिल गया है, और इसको मैं लेके जाऊँगा, है ना, पिक कर लिया है मैंने, बाकी मैं चल दिया हूँ दोस्तों, बाकी मैं वेट भी कर रहा हूँ कि अगर ऊबर में कोई पैकेज आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, बाकी अभी तक कोई पैकेज तो आया नहीं उस रूट का, तो देखते हैं। बाकी सामान भी कुछ हो रहा है, सवार भी नहीं दिया चलता हूँ, है ना, तो कोई नहीं, चलते हैं आगे, देखते हैं रास्ते में मिल जाएगा। और ये बस जा रहे हैं क्या, बस से जाने उसके बाद ही जाए, चलो अब तो निकल जाओ। और ये बस के पे बस कह रहा हूँ, ट्रक के पीछे मैं फंस गया और निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, निकल गया, आगे और जाम है, बाकी देखते हैं रास्ता मिलता है। बाकी मेरे इधर टू व्हीलर है, ये तो निकल ही जाएगी टू व्हीलर, और बाकी दोस्तों राजेंद्र पुलिस आए थे, राजेंद्र पुलिस कह रहा हूँ, राजेंद्र नगर आया था यूपी गाजियाबाद। तो ये पोर्टर भाई है, राइडर है, ये कह रहे हैं वीडियो कैसे शूट करते हो भाई, कैसे नाम है? तो भाई साहब देखो ऐसे शूट करता हूँ, इनको बता रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अब वापिस वजीरपुर का ही मिल गया था, लंच वंच कर लिया हूँ, लंच करने के बाद खाना खाने के बाद वही जिनको मैंने दिया है वही लेके जा रहा हूँ उनसे, और वहीं पे सेम देना है, वापिस मेरे को मिल गया वजीरपुर का। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और रास्ते में कहीं मिले कोई पार्सल तो ले लो, और नहीं तो फिर घर निकल जाओ। चलो फिर चलते हैं, फिर मुझे तो ऑर्डर मिल गया था, मैंने कहा चलो बढ़िया, यहाँ वेट करने से अच्छा है कि चलो निकल जाओ। किसमें दोस्तों धूप में तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा था, उधर से आ रहा था, लग रहा है कि अब बाइक नहीं चला पाऊंगा बाइक, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, बीच में 2-3 मिनट रुकते तब आया मैंने, क्योंकि यार धूप ही यहाँ पे दिल्ली का जो टेम्परेचर है ना 42-45 चला गया, आप सोच सकते हो कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये मैं जिन्हें मैंने किया था पार्टी से लेकर के, फिर वही पार्टी से देखा आइटम जिसका टेम्परेचर है जो मैंने उसको एक बैग में डाल दिया है, तो भाई सब क्या आ रहा है, सवारी आ रहा है क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, लटका हाँ क्या रहा है, जब चल के आ रहा था ओवर में सवारी आ रहा था, पैकेज नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा कि एक पैकेज आ जाए होटल में या ओवर में, तो इससे ये हुआ कि मेरा काम इसी में इसी ट्रिप में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं घर भी निकल जाऊँगा। तो चलो फिर जो आया तो क्या आ रहा है, देखो यार पानी पी लेता हूँ यार, ठीक है।
में ये पानी है, इसको क्या करता हूँ फूट देता हूँ और इसको बोलता हूँ भरने के लिए। भरना भी है इसमें दोस्तों, इसे कहते हैं बिहारी भाषा में शरबत, मैं पी रहा हूँ शरबत। दोस्तों ये आ गया मेरे को ऊपर में पैकेज, तो ये वही वजीरपुर के पास इंदरलोक जो है ना रोहतक रोड, वहीं में मेरे को इसको देना है शाहजहाबाद, तो इसको मैं बैग में रख लेता हूँ और बाकी चल पड़ते हैं डेस्टिनेशन की ओर। काफ़ी वजन है इसमें, मेरे को लग रहा है 2 किलो से कम नहीं है ये, तो चलो आखिर मिल तो गया जो भी हो। भाई ऊबर है, ऊबर में आते हैं पैसे बढ़िया मिलते हैं, बस यही है कि क्वार्टर थोड़ा कम मिलता है लेकिन बढ़िया मिलता है भाई। ऊबर इज़ द बेस्ट, ऊबर बढ़िया है, क्वार्टर की कमियां बताओ तो भाई साहब कमियां बहुत है, बताने लगूँ ना तो वीडियो पूरा कम पड़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब हो गया टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको देखने के लिए। तो बस यही है, बाकी मैं जाकर वो पैसे निकले इधर से, इधर से ज़्यादा यूज कर लिया है तो फिर ज़्यादा मिल जाए मेरे को, इसके राइट साइड से निकलना पड़ेगा। तो चलो भाई दोस्तों चल। तो भाई ये दे दिया हूँ मैं, और जो मेरे को मतलब कि वापस जहाँ से मैंने उठाया था वहीं पे मैंने इसको दे दिया वापस ला कर के, तो चलो बढ़िया है मतलब कि वापस आ गया घर की तरफ का। और मैं जाता हूँ ऊबर का जो पैकेज आया था ना उसको मैं लेके जा रहा हूँ, वही शाहजहाबाद देना है उसको। तो चलो चलते हैं, बाकी पोर्टर का देखते हैं आईडी ऑन होगी तो होगी, लॉगिन तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना चलेंगे उसको देने के बाद। चलो फिर दोस्तों, दोस्तों मैंने वो दे दिया जो ऊबर से जो पैकेज लेके आया था वहाँ से गाजियाबाद से, तो वो मैंने दे दिया। बाकी अभी मेरे पास आ गया ऊबर में पैकेज फिर सेक्टर 14 प्रशांत बिहार, और ये बिल्डिंग में देना है मैडम को, तो मैं इसको लेके चल दिया हूँ और आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है, ऊपर में पैकेज आता है या सवारी आता है। दोस्तों एक भी बहुत अच्छी चीज लगी ऊपर की, वो ये कि आप जितना देर चलाओगे जितना दूर गाड़ी चलेगी उस हिसाब से मीटर चलता रहता है, और दूसरी बात ये कि आप अगर कहीं रुक गए ट्रैफिक में फंस गए और टाइम लग रहा है वो भी उसका आपको क्रेडिट चार्ज मिलता है, कितनी अच्छी बात। और भाई सब पोर्टल में देख लो यार,
भाई जितना रेट चेंज हुआ है उतना ही है। चाहे भाई रास्ते में लेकर के निकल गए, रास्ते में 2 घंटा वेट कर लो, कोई फर्क नहीं। हाँ तब होगा जाकर कि जब आप ड्रॉप पॉइंट पे या पिकअप पॉइंट पे जाकर के लोडिंग और लोडिंग 25 मिनट फ्री रहती है, उसके बाद 25 मिनट के बाद अगर वेट कर रहे हो 2-3 घंटा। सोच रहे हैं कि हाई क्या लगा हुआ, मोबाइल को लगा रखा है, किसने लगा रखा है ना, तो लोग देखते रहते हैं भाई। जब ये देखना ही तो है, देखने के लिए तो बना रहा हूँ मैं, है ना। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं, हम देखते हैं, हम भी देखते हैं और आगे क्या आएगा हमारे पास। ये दोस्तों मैं इसलिए लगाया हूँ, मैं यहाँ पे वाइपर लगाऊंगा अभी, ठीक है, अभी नहीं उसके लिए लगाऊंगा, और मैंने फिलहाल लगा लिया है ये धूप से बचने के लिए। मोबाइल क्या है कि चलते चलते तो मैंने इसको लगा लिया फिलहाल, और मैं जब वाइपर लगाऊंगा ना इतनी देखी हुई तक बाइक लगाऊंगा तो यार लाइट का बाइक लगेगी, फिर देखा दोस्तों क्या बाइक है, लोग पहचानेंगे नहीं कौन सी बाइक है ना। और ये जो है ना यहाँ पे हैंड ब्रेक और हैंड क्लच यहाँ पे लगाऊंगा, वो शुरुआत किया पता ही नाम नहीं पता है, जब बस लगानी है। रवाली अपार्टमेंट्स में मैंने दे दिया है ये भाई साहब, अपार्टमेंट्स का ना चक्कर है, बहुत बेकार है, घर में डिलीवरी जाए करना। तो फाइनली ये मैंने वो पैकेज दे दिया, और उसके बाद आ गए पीतमपुरा के लिए सेक्टर 24-34-14 से, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं दोस्तों, आज की बात करें घर आ गया हूँ, और ये मैं रोहिणी सा भाई, ये तूफान इतनी सूट रही है ना, इतनी ज़्यादा उठ रही क्या भाई यार, रोहिणी इतना ज़्यादा तूफान हो गया, तूफान मुझे लगा कि बारिश होने वाला है, तो इसलिए मैंने फटाफट क्या किया, आईडी वीडी बंद किया, आईडी मैंने ऑन ही कर रखा था, और उसके बाद क्या हुआ तो मैंने फटाफट आ करके और निकल गया, बस घर पहुँचने वाला हूँ, और डॉक्टर मैं यहाँ करता हूँ। और अरविंद की बात करें आपको, अरविंद और भी मेरे से अप्रॉक्सीमेटली 970,000 रुपये का कमाई हो गया भाई। चलो ठीक है सब कुछ, 150 पेट्रोल निकाले तो वही 800 रुपये की कमाई हुआ, बचत हुई, और 50 रुपये मान लो खाने पीने का, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए आज की अभी इतना ही देखिए कुछ होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, और चैनल पर हेल्प करने का कर लेना, और पहले के प्रेस कर लेना, सब पहले आपके पास मिले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।